तो भाई लोग फिर आज एक संडे है और फिर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर हमें नहीं पता, तो वो सीधे कार में मिलते हैं और फिर भैया से पूछेंगे कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो फिर वो बताएगा, है ना। तो कार में मिलते हैं। तो भैया देखो, ऐसा है कि हम लोग आज फिर से निकल गए। आज है संडे और संडे में अपन जाते हैं कहीं ना कहीं, तो आज निकल गए और आज भी जा रहे हैं एक किले। अब यहाँ पे यार अपने पास किले बहुत रहते हैं, तो अपन खूब किले देख रहे हैं। तो आज पिछली बार अपन कौन से वाले किले गए थे? गढ़ी के किले गए थे। गढ़ी के किले गए थे, इस बार जा रहे हैं चौकीगढ़ के किले, है ना। तो मुझे लगता है शायद दोनों ही रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं, तो आप चौकीगढ़ का जो किला है वो देखने जा रहे हैं। और इस बार शायद डी मौसी नहीं चल रही, तो छोटी वाली मौसी नहीं चल रही है। हम लोग केवल तीन लोग जा रहे हैं, तनु, मम्मी और मैं, है ना। हम लोग तीनों जन जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह का किला है। यार मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, मैं तो इंटरनेट पे जैसे गूगल मैप पे ऐसे सर्च करता हूँ, उसमें जो किला मिल जाता है या किला क्या कोई भी जैसे घूमने की चीज़ मिल जाती है तो उस पर फिर चल देते हैं। तो अब देखते हैं वहाँ जाके क्या मिलता है ना। दूसरा वाला व्लॉग भी इधर चल रहा है ना ये, तो इधर भी बोल के उन्हें बोलना पड़ेगा कि दूसरा वाला जो पंचर है उसको चेक करा लेंगे एक बार, तो अगर वो पंचर होगा तो उसको बनवा के फिर जाएंगे। अभी रास्ते में भी मिलेंगे और चलते चलते भी मिलेंगे, खड़े होके भी मिलेंगे, मिलते रहेंगे। क्या चौकीगढ़ का किला कहाँ है, मतलब कितने दूर है ये? 100 किलोमीटर। अच्छा, वही 100 किलोमीटर की रेंज है। तो ये रायसेन रोड पे है या कहाँ पर है? नहीं, ये अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज साइड है। अच्छा, पुलिया क्षतिग्रस्त है, अपन धीरे चले चले क्यों अगर क्षतिग्रस्त है तो? यार ए, देख के चला भाई गाड़ी। यार गाड़ी देख के चला रहा हूँ यार मैं, क्या समझ रहा है? मोबाइल में ध्यान है तुम्हारा? तुम मोबाइल में नहीं ध्यान। किले का रास्ता यही है, यही जाता है, तो चली जाएगी गाड़ी। चल जाएगा, कल भी गाड़ी गई थी। अच्छा गई थी, चलो ठीक है। कितने दूर है? कितने दूर है? पास ही है आप? अभी तो 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलो, हाँ तो पास ही है। चलो ठीक, धन्यवाद। अरे बाप रे, कहाँ कहाँ से गाड़ी निकाली, गाड़ी में रख लेते पूरा। पहुंचो थोड़ा उठा ले। सामने से कोई आया तो देखो 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 देखो, अब ये कैसे निकलेगा? जगह देना पड़ेगी तुम। अरे चढ़ा दी तुमने, चढ़ा दी चढ़ा दी चढ़ा दी। ज्यादा हो गया ये तो, बहुत डेंजरस। तो इसीलिए तो अपने पास 4x4 है। यस, पर ये तो ज्यादा है यार, ये तो एंडेवर 4x4 समझे। इधर कटती तो कोई उठाने वाला नहीं जाता ही है, तो सरदार जी को फोन करना पड़ेगा। ये गर्मियों में इस तरह से जंगल में आग लग जाती है, ये अपने आप आग लग गई ना, ये अपने आप लगती है। भैया हमको रास्ता दिखा रहे थे, रास्ता दिखाते दिखाते गिर पड़े। रास्ता है ही इतना डेंजरस, गिरी जाएंगे वो। पैदल कम से कम 1.5 घंटा पैदल का? हाँ, किला पर जाने। अच्छा मतलब गाड़ी जाती नहीं है वहाँ? हाँ नहीं जाती। बाइक वाइक जाती होगी? नहीं जाती। अच्छा, हाँ। अरे
तो किला कैसे देखेंगे हम? किला फिर ऊपर पहाड़ से जाना पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी नहीं जाती? गाड़ी नहीं सही रहेगी। अच्छा अच्छा। यार फाइनली हम लोग चौकीगढ़ का किला तो नहीं पहुँचे पर हम आधे रास्ते में रुक गए क्योंकि यार हमको ऐसा पता चला है कि मतलब ऐसा कुछ है कि गाड़ी वहाँ तक एक तो जाती नहीं है किले तक, नीचे कहीं पहाड़ पे नीचे पहाड़ के नीचे खड़ी करनी पड़ेगी, फिर एक डेढ़ घंटे का रास्ता है पहाड़ पे चढ़ के जाने का, वो भी ऐसे रास्ता मतलब अच्छा रास्ता नहीं है, ट्रैकिंग टाइप की हो जाएगी। तो मम्मी साथ में है और अभी बज गया है 2, अभी चलना चालू किया तो 3, 3:30, 4 बज जाएंगे और अभी इतना सोच के थोड़ी आए थे कि पहाड़ चढ़ेंगे यार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक। अब वो क्या पता कैसा किला है, देखने का तो बहुत मन था मेरा पर अब क्या कर सकते हैं ना। तो हम लोग इसके आगे गाड़ी नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि गूगल मैप तो हालांकि एक घंटे पहले ही छूट गया, हम जंगल के अंदर हैं, बहुत ख़तरनाक जंगल के अंदर हैं। और अभी एक वो भैया जो मैं दिखा रहा था ना वीडियो में, उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे शेर वगैरह भी घूमते रहते हैं और यही रास्ता है शेर का आने जाने का, क्योंकि यहाँ कोई और रास्ता तो है नहीं। एक गांव है वो उस तरफ पड़ता है जहाँ वो मुड़ गए थे, है ना। और इसके आगे तो अब मुझे पता नहीं, इसके आगे हम जा नहीं रहे हैं क्योंकि रोड अच्छी है नहीं। तो ठीक है अब हम लोग यहाँ से जाएंगे वापस, खाएंगे पिएंगे और देखते हैं घर निकलेंगे या जो भी है। तो अब किला तो नहीं घूम पाएंगे, कोई बात नहीं, सुबह कभी आएंगे तो घूमेंगे, है ना। और क्या, वो तो है ही, देखना तो है ही, उसको आवाज नहीं आता है। चलो फिर चलें। चलो चलो भैया। Careful with your pretty eyes and run with me, you're done, 'cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin, 'cause honestly, let's hold our breath, this is so real, just you and me, let's escape girl tonight, अरे वाह ये तो बड़ा इजी हो गया है ना। अच्छा नल खोला और फिर गजब। तो यार गन्ने का जूस पियेंगे फिर कुछ खाएंगे, घर से मम्मी बहुत अच्छा कुछ कुछ बना के लेके आई है, चने की सब्जी और पूड़ी है शायद, तो सुबह सुबह दीदी बना रही थी तो मैंने देख लिया, तो वो खाएंगे और फिर जाएंगे हम लोग। हाँ हम लोग जा रहे हैं वो क्या बोलते हैं उसको, डैम जा रहे हैं, एक तालाब है वहाँ कहीं जा रहे हैं, तो देखते हैं क्योंकि हम वहाँ तो पहुँच नहीं पाए तो कुछ तो देख ही ले। तो रास्ते में एक डैम पड़ता है उसका नाम मुझे नहीं पता, पहुँच जाएंगे ना वहाँ पहुँच के अच्छे से बताऊँगा। ठीक है चलो फिलहाल पीते हैं गन्ने का जूस। चलो क्या गन्ने का जूस जब पीते हैं तो एक एक गिलास से नहीं होता यार, 2 गिलास चाहिए होते हैं, उसके बाद ही सुकून मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से गाड़ी निकलेगी कि नहीं, इधर गड्ढा इधर गड्ढा, निकल जाएगी यार मेरे हिसाब से तो। अच्छा वो दूर से लग रहा था, बस थी वहाँ जगह, मतलब अपनी 2 चक्के के हिसाब की जगह थी बस। तो यार बारना डैम हम लोग आ गए हैं, देखते हैं कैसा है, वहाँ नीचे भी कोई जगह है वहाँ से भी ऐसे जा सकते हैं। अरे गजब यार मैं तो हल्के में ले रहा था इसको, ये तो मस्त है, हाँ बारना डैम तो एक नंबर काम। अरे वाह बहुत सुंदर, ओहो गजब। $1 million view
है तो सही, मिलियन डॉलर। कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। अरे यहाँ से भी अच्छा व्यू है यार, उस तरफ अपन जाएंगे। कंट्रोल रूम प्रवेश प्रतिबंध, ऐसे कंट्रोल करते होंगे ना डैम बंद करना खोलना, वो जगह है तो प्रतिबंधित है वहाँ जाना, पर यहाँ जा सकते हैं। ये बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो हम इधर चलते हैं। मंदिर भी एक नंबर काम, कपल भ्रमण भी होता है यहाँ, देखो कपल भ्रमण गजब। वाह यार ये अच्छा है मम्मी, छाए में बढ़िया, छाओ छाओ में मस्त बैठो आओ, और हवा बहुत अच्छी चल रही है, इतनी गर्मी है पर यहाँ ठंडक है डैम की वजह से। वाह वाह, बहुत तेज भूख लगी है, फटाफट कार में बैठ के खाना खाना है। चलो यार हम लोग आ गए हैं अब नेचुरल्स, क्योंकि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था और इतनी ठंड में तो आइसक्रीम तो भाई बहुत जरूरी है। क्या बोला तूने? तो अपन लोग चलेंगे खाएंगे आइसक्रीम। क्या 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 चोको आलमंड फिनिश हो चुका है, चोको आलमंड कर दो उसके। चोको आलमंड फिनिश हो चुका है और क्या करो? अच्छा ये वही है क्या, चॉकलेट चॉकलेट तो उसमें ऑलवेज इसमें चॉको वाइट कैडबरी यार है तो वो यार नहीं। नहीं, एक वॉलनट है और एक ये है अपना। हाँ निकल जाएगा यार वो है उसमें काफ़ी है। हाँ वही तो, ये काफ़ी है यार, एक स्कूप आएगा बढ़िया यार। गया ना, अरे हो गया यार। ये हाँ ये हो गया मामला से। बस अब मैं अकेले अकेले खाऊंगा ये और तुम लोग को जलाऊंगा नहीं, वीडियो यहीं ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद आराम से आइसक्रीम खाता हूँ ठीक है। तो ऐसे ही ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ बी हेल्दी।